पूर्व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी व वाराणसी के प्रभारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चंद्रमौली पांडे की रविवार की रात चंदौली के साहबगंज के पास कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। कार वह खुद चला रहे थे। दुर्घटना में उनकी मां कृष्णावती की भी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के खेल जगत के साथ साथ गोरखपुर के खिलाड़ियों में भी शोक की लहर देखने को मिली। स्वर्गीय चंद्रमौली को खेल प्रेमियों ने रीजनल स्टेडियम गोरखपुर में भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि चंद्रमौली सभी के दिलों में वास करते थे। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष व पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी दिनेश सिंह, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव, अजय राय, जय हिंद यादव, माया शंकर शुक्ल सहित सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद रहे। कितनी श्रद्धा थी, राय हम लोग एक साथ इस विभाग में आए थे। संयोग से हम लोग विचारों का अपार खजाना था, जो कभी भी हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता था कि आप भी इस विषय में सोचें। उनके पास ज्ञान का भी अथाह भंडार था, गीता रामायण जैसी चीज़ों से अक्सर हम लोगों को उदाहरण दे करके अपनी बात को समझाते थे। कार्यक्रम को संचालित करें डॉक्टर श्री भगवान सिंह। आवाज से भरा रहता था, उनसे बात करने, उनका सानिध्य प्राप्त करने और उनसे तमाम सारे कुश्ती कला के सीखने के लिए स्टेडियम में प्रतीक्षारत रहता था। तुम ही सो गए दास्तां कहते थे। मैं चंद्रमोल पांडे जी के लिए इकट्ठा हुए हैं और वो भी उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मैं उन सभी मित्रों से विनम्र आग्रह करता हूं कि आदरणीय पांडे जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अभी तक जो लोग अर्पित न किए हों, मेरा निवेदन है कि आप चित्र के पास जाकर विनम्रता पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित कर लें अपनी तरफ से। ये क्रम चलता रहेगा मित्रों के आने के साथ, लेकिन आज के दिन आप सबके बीच यह कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। अभी आपने देखा कि भाई चंद्र विजय जी का धैर्य कैसे समाप्त हो गया था। हम सब लोग जब 2 मिनट के लिए मौन व्रत के साथ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो अंततः उनकी अश्रुधारा, उनके धैर्य का बांध टूट गया। बड़ी मुश्किल से उनको संयत करना पड़ा, ढाढ़स देना पड़ा। बच्चों, खिलाड़ियों की दुनिया और फौजियों की दुनिया ये बड़ी दिलेरों की दुनिया होती है। बड़े सच्चे दिल के लोग होते हैं, बड़े निष्कपट होते हैं। जो बात मन में होती है वो बात चेहरे पर होती है। ऐसे ही हमारे चंद्रमौल पांडे जी थे। इस गोरखपुर मंडल में और पूरे प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानों की दुनिया में एक नामचीन शख्सियत रहे हैं भाई चंद्रमौल पांडे जी। खेलों की दुनिया से थोड़ा लगाव होने के नाते मेरी भी उनसे बड़ी निकटता थी
और मैंने जितना कुछ जाना था मुझे लगता था कि इतना सरल इतना सहज होना, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी ये व्यक्तित्व का बड़प्पन ही है और प्रभु की कृपा ही थी। आज के दिन यहाँ केवल कुश्ती की दुनिया के ही युवा और अपने समय के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान नहीं इकट्ठे हुए हैं, बल्कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ किसी भी खेल की विधा में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, खुद खिलाड़ी रहे हैं, खेल प्रशासक रहे हैं, किसी भी खेल में वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तमाम सारे खेलों के खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, खेल प्रशासक, खेल अधिकारी, ये मैं देखा जो देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई चंद्रमौल जी की लोकप्रियता, लोगों के दिलों में उनका स्थान कितना ऊंचा था। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके समय में तो नहीं हो पाता है, ये सच है कि उसके समय में नहीं हो पाता है, तमाम सारे तत्व काम आते हैं, लेकिन आज इस स्टेडियम में यह नजारा देख करके लग रहा है कि आदरणीय चंद्रमौल जी कितने लोकप्रिय खेल प्रशिक्षक रहे हैं हमारे बीच। दुख की घड़ी है, निसंदेह जितना कहना था आपने कह दिया कि श्री पांडे जी वास्तव में बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनके श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम तो सत सत नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा के शांति दें, और सभी लोगों से है विनम्र निवेदन है कि उस इंसान से सीखिए। कोई आदमी किसी भी परिस्थिति में किसी समय भी सबसे एडजस्ट करके चलने की व्यवस्था उनके पास थी। मैं ऐसे भाई चंद्रमौली पांडे जी को सत सत नमन करता हूँ। लोगों को उनके व्यक्तित्व को कैसे कहा जाए, वैसे डॉक्टर भगवान सिंह साहब ने उनके जीवन के बारे में, उनके लोकप्रियता के बारे में बहुत कुछ बताया है, जबकि यहाँ हमें लगता है कि जो भी बच्चे हैं छोटे से बड़े उनके बारे में हर एक को पता है, क्योंकि गोरखपुर स्टेडियम से उनका जुड़ाव बहुत दिनों से था और उनके साथ ही उनके खुद के जुड़ाव के साथ ही उनके दो शिष्य जो यहाँ चंद विजय सिंह और जनार्दन यादव, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो यहाँ के सारे छोटे और बड़े खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं, जो गुरु जी की याद हमेशा उनको आती रहती है। उनके बारे में बहुत कुछ कहना इस वक्त संभव नहीं है, मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और नमन करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले।